जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे रियासत में, मुल्क में नहीं बल्कि आलमी सतह पर कर्नाटक के हिजाब मामले को उछाला जा रहा है, उस पर बहस मुबासे किए जा रहे हैं। हर तरफ मुस्लिम बच्चियों को, जहां पर एक तरफ कहा जाता है कि मुसलमान ख्वातीन, मुसलमान बच्चियां, लड़के तालीमी मैदान से दूर हैं, हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बच्चियां पढ़ने के लिए जाती हैं तो उन्हें हिजाब को लेकर रोका जाता है। जबकि इस मुल्क का आईन हिंद हमें तमाम तरह की इजाज़त देता है, खाने पीने, रहने ओढ़ने की वगैरह। लिहाजा हमारे साथ बेलगाम शहर की कई सारी ख्वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, वो क्या सोचती हैं, जैसे कि आप भी जानती हैं कि हिजाब के मामले को लेकर एक तनाज़ा खड़ा हुआ है पूरे मुल्क में, तो आप बतौर बेलगाम शहर के ख्वातीन हैं कई सारे, तो आपकी क्या राय है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू से दैट हिजाब इज़ अवर प्राइड, हिजाब इज़ अवर फेथ एंड हिजाब इज़ अवर शील्ड। सो वी द इंडियन मुस्लिम्स वुमेन, we feel proud to be a Muslim woman first of all, and India in our constitution we are given a equal right to practice our religion in the article from 25 to 28. We have given the equality to follow the path of religion irrespective of the caste. So the government of India is making a counter attack on Muslim society, whether may it be the matter of triple talaq or NRC or this hijab matter. So we feel hijab in this manner that it is a protection for us. So not only the Muslim brothers, even the Hindu brothers gives us equal respect if we go anywhere with hijab. We are given a sort of responsibility by wearing the hijab. So this is against our rules. We strongly condemn this law and we are not going to give it up. We are going to follow our religion. We are going to follow this hijab throughout our life. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. लगातार ये देखा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो मुसलमानों को टारगेट बनाए हुए है, और अभी काफ़ी दिनों से जो लड़कियों का जो मामला चल रहा है कि उनके हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई है, उन लोगों के साथ सख्ती की जा रही है, जो कि हिंदुस्तान के संविधान में ही नहीं है। हमारा मुल्क जो है एक लोकतांत्रिक मुल्क है, इसके अंदर जो है डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, हर किसी को अपने धर्म, अपने मज़हब के हिसाब से जो है वो रहने, खाने पीने, उड़ने की इजाज़त है। यही जो है हिंदुस्तान का मुल्क है, लेकिन मौजूदा सरकार जो है इस लोकतंत्र को ही ख़त्म करना चाहती है और सिर्फ जो है वो तानाशाही को लाना चाहती है, और ये इसके नमूने जो है हर दिन हम लोग न्यूज़ में देखते हैं। और अभी फ़िलहाल इसका एक ताज़ा नमूना जो है वो मुसलमान बच्चियों को जो है वो टारगेट बनाया गया है। तो हम जो है इन लोगों के साथ ये जो सख्ती की गई है, तो कॉलेज का जो डीन है वो भी जो है उसका ये कहना है, कई बहुत सारे न्यूज़ों में हमने देखा है, पढ़ा है, कि वो ये कहता है कि मैं जो है ऊपर से प्रेशराइज हूँ, मुझे जो है गवर्नमेंट का जो है हुक्म उसका जो है फॉलो करना पड़ता है, तो उस वजह से मैं जो इन लोगों को अंदर नहीं ले सकता। तो ये जो है सिर्फ एक कॉलेज या सिर्फ एक स्कूल या एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, बल्कि ये ऑर्डर और ये टारगेट और ये सारा जो है मुसलमानों को परेशान करने की बात जो है ये सरकार की तरफ से हो रहा है, ये ऊपर से हो रहा है। बीजेपी लीडर हो, वो किस तरह की बेतुकी बातें कर रहा है, RSS का जो लीडर है वो कितनी बेहुदा बातें कर रहा है। तो अब ये सब बातें इन लोगों की सुनने के लिए फिर ये सारे न्यूज़ चैनल कहाँ हैं, जो ये गोदी मीडिया और जो मोदी की जो गोद में बैठकर जो है सिर्फ जो है झूठ फैलाते रहते हैं मीडिया पर, वो ये सब चीज़ें क्यों नहीं दिखा रहे, वो इन सब चीज़ों को क्यों नहीं बता रहे। जहाँ थोड़ी बहुत जो है कुछ मुसलमानों के खिलाफ अगर मुसलमान अगर कोई कुछ कह देता है तो उसको जो है बड़ा उछाला जाता है, लेकिन अब जो है कितने दिनों से जो है वो लड़कियां जो है प्रोटेस्ट कर रही हैं, कॉलेज के बाहर बैठी हुई है, सड़कों पर बैठी हुई है, तो उनके सपोर्ट में क्यों कोई नहीं आ रहा, क्यों उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा, क्यों उनकी बात को सुना नहीं जा रहा। तो ये जो है ये सिर्फ ये मुसलमानों की बात नहीं है, ना सिर्फ मुसलमान लड़कियों की बात है, बल्कि जो है उन लड़कियों ने तो ये भी कहा कि अगर हमारे अगर इसको अगर आप हमारा धार्मिक या मजहबी अगर इसको आप समझते हैं तो आप लोग भी अपने तरफ से आपके मजहब में जो है आप वो पहन कराओ, तो आपको जो अच्छा लगता है वो आप करो, हमको जो अच्छा लगता है वो हम करें, यही तो डेमोक्रेसी है, यही तो आज़ादी है, लोकतंत्र इसी को तो बोलते हैं। अगर यही नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ की है? अब हिंदुस्तान में लोकतंत्र ख़त्म हो रहा है, तानाशाही आ रही है, तो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि जो है सारे हिंदुस्तानियों को जागने की ज़रूरत है और जो अपनी आँखें खोलने की ज़रूरत है। आज मुसलमान टारगेट है, कल को कोई और टारगेट हो जाएगा।
तो लेकिन जो है हम भी जो है पूरे यहाँ पर खड़े हुए हैं और हम उन लड़कियों के साथ उनका हम सपोर्ट करते हैं और आगे भी करते रहेंगे और जो कुछ भी आगे करने की ज़रूरत पड़ी हम करेंगे। हम हाईकोर्ट तक जाएंगे, ये मामला हाईकोर्ट तक तो पहुँच ही चुका है, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे और हम हिजाब को हर हाल में सपोर्ट करेंगे और ये हमारा हक। हम हिंदुस्तान में जो है किराएदार नहीं है बल्कि हमारे बड़ों ने हमारे बुजुर्गों ने इसकी आज़ादी के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। ये हमारा हक है, ये हमारी ज़मीन है, हम यहीं थे, हम यहीं हैं और यहीं रहेंगे और हम हमारे मज़हब के हिसाब से ही रहेंगे। ये हक हमसे हमारा कोई नहीं छीन सकता। इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ा हम फैज़ान बादशाह ट्रस्ट की तरफ से आज यहाँ खड़े हुए हैं, आगे जो कुछ भी करना पड़ा हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ये हम हुकूमत के लिए ये अपील हम करते हैं कि हमारी इस आवाज़ को सुना जाए और हिंदुस्तान की लोकतंत्र पर थोड़ा सा रहम खाए और सारे ही लोगों से ये अपील है कि हिंदुस्तान के हालात पर नज़र रखें। बहुत अनकरीब जो है वो कर्नाटक के इलेक्शन है तो इसको इलेक्शन का मुद्दा बनाने की जो है ये कोशिश की जा रही है, तो ताकि जो है लोगों के अंदर जो है वो बेरोज़गारी और जो इकोनॉमी का जो हाल है इसकी तरफ से नज़र हटाने के लिए सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो लोगों को जागने की ज़रूरत है, अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है और हम जो है हमारा ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। उन लड़कियों का हम हर हाल में सपोर्ट करते हैं और हर हाल में जो कुछ भी इसके लिए करना पड़ा हम करेंगे।